अगरबत्ती बनाना बेहद ही आसान है। इस बिजनेस को आप कम बजट में शुरू करके इससे महीने की 50,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस बिजनेस के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगरबत्ती का बिजनेस कैसे शुरू करें, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। त्योहारों के सीजन में अगरबत्ती की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए अगर आप कम बजट वाले बिजनेस की तलाश में है तो अगरबत्ती बनाने का बिजनेस आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू करके खुद का अगरबत्ती का ब्रांड भी बना सकते हैं। आपको बस अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल खरीदना होगा और साथ ही एक मैन्युअली चलने वाली मशीन, जिससे आप 15,000 से 20,000 में खरीद सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने के लिए आप मुद्रा लोन योजना के तहत भी लोन ले सकते हैं। इस बिजनेस के लिए 3 प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती है मैनुअल मशीन, जिसकी कीमत 14,000 से 15,000 रुपये तक आती है। दूसरी होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, जिसकी कीमत 90,000 से 1,00,000 तक होती है। और तीसरी होती है हाई स्पीड मशीन, जिसकी कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच होती है। अगरबत्ती बिजनेस को करने के लिए आपको कितनी जगह की ज़रूरत होगी, ये आपके बजट पर निर्भर करता है। शुरुआत में अगर आपके पास कम बजट है तो आप इस बिजनेस को अपने घर के एक छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। बाद में जिस प्रकार धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा, आप जगह को बढ़ा भी सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगरबत्ती बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपको चारकोल डस्ट, सफ़ेद चिप्स पाउडर, चंदन पाउडर, जिगाक पाउडर, बांस की स्टिक, पेपर बॉक्स, परफ्यूम, DEP, कुकुम डस्ट और रैपिंग पेपर चाहिए होता है। अगरबत्ती बनाने के लिए आप कच्चा माल अमूल अगरबत्ती वर्क्स, शांति एंटरप्राइजेज जैसी कंपनियों से आसानी से खरीद सकते हैं। साथ ही आप इंडिया मार्ट वेबसाइट से भी इसका कच्चा माल खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आमतौर पर अगरबत्ती 2 तरीके से बनाई जाती है। पहली होती है मसाला अगरबत्ती, दूसरी बनती है सुगंधित अगरबत्ती। अगरबत्ती बनाने के लिए सबसे पहले आपको अगरबत्ती प्रीमिक्स पाउडर, जिसे चारकोल पाउडर भी कहते हैं, और जिगात पाउडर को आपस में मिलाकर लगभग 2 किलो का पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट में 1 से 1.5 लीटर पानी मिलाकर इसे अच्छे से आटे की तरह गूँथ लें। इस मिश्रण को गूँथने के बाद अब इस मशीन के अंदर डाल दीजिए और साथ ही एक तरफ से बास्टिक को भी डाल दीजिए। मैनुअल मशीन अपने आप ही इसकी अगरबत्तियाँ बनाकर बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद इन्हें सुगंधित करने के लिए सुगंध वाले तेल में डुबोकर छाव में सुखाने के लिए रख दीजिए। अगरबत्ती बन जाने के बाद इसे सुखाने के लिए मार्केट में अलग अलग तरह की मशीन उपलब्ध है। आप मशीन के माध्यम से 160 किलो अगरबत्ती को लगभग 8 घंटे में सुखा सकते हैं। इससे आपकी उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी, जिससे आपके समय की भी बचत होती है। और अगर आप छोटे बजट से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसको छाव में ही सुखाना होता है। अगरबत्ती पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद अब उसे मार्केट में बेचने के लिए पैकिंग करने की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट की पैकिंग ही कस्टमर को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती है। आपकी पैकिंग जितनी अच्छी होगी, ग्राहक आपके प्रोडक्ट की ओर उतने ही आकर्षित होंगे। इसलिए पैकिंग के लिए अच्छी क्वालिटी के रैपर का इस्तेमाल करें। आप पैकिंग हाथ और मशीन की मदद से दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मशीन के माध्यम से पैकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, जिसमें आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं होती, मशीन खुद ही गिनती करके पैकिंग करती जाती है। कोई भी बिजनेस तभी सफल हो सकता है जब उसकी बिक्री ज़्यादा हो, और बिक्री ज़्यादा तब होती है जब बिजनेस की मार्केटिंग अच्छी हो। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आपके बिजनेस के बारे में मार्केट में घूम कर लोगों को बताएं, उनसे बात करें, अपने प्रोडक्ट से जुड़े सही कस्टमर को टारगेट करें। इसके अलावा आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए लोगों को ऑफर्स भी दे सकते हैं। अगरबत्ती बेचने के लिए आप किराने की दुकान पर जाकर दुकानदारों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोक मार्केट में जाकर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, या फिर अमेजॉन जैसी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग के लिए अलग से अच्छा बजट है तो आप अखबारों और डिजिटल मार्केटिंग करके भी अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दे सकते हैं।
आज के समय में बिजनेस की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया और यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। अगरबत्ती का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कम बजट में शुरू करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का जितना अधिक उत्पादन करेंगे आपकी अर्निंग उतनी ही अधिक होगी। अगर आप अपने बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करके रोज़ाना 100 किलो अगरबत्ती का भी उत्पादन करते हैं तो आप 2000 से लेकर 3000 रुपये घर बैठे आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। अगरबत्ती को बनाने में कुछ सावधानी रखनी ज़रूरी होती है। हमेशा याद रखें कि अगरबत्ती बन जाने के बाद इसे धूप में नहीं सुखाना चाहिए। अगरबत्ती बन जाने के बाद इसे सुखाने के लिए अलग अलग रखें ताकि गीला होने की वजह से ये आपस में चिपक ना सके। हमेशा याद रखिए कि अगरबत्ती की लंबाई 8 से 12 इंच तक होनी चाहिए। अगरबत्ती बनाते समय पूरी तिल्ली पर पेस्ट न लगाएं, लगभग 1 इंच खाली रखें। अगर आप अगरबत्ती का वजन करते हैं तो अगरबत्ती के पैकेट में लगभग 1 किलो में 1300 अगरबत्ती आती है। अगर आप अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस का ब्रांड के तौर पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना चाहिए। सबसे पहले अपने बिजनेस का ROC के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, इससे दूसरे लोगों का भी आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा हो जाएगा। इसके साथ ही अपने कंपनी का पैन कार्ड बनवाएं और अपनी कंपनी के नाम से करंट अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। अपनी कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण पर आवेदन करें और साथ ही कंपनी की सुरक्षा के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC प्राप्त कर लें। तो इस प्रकार आप अगरबत्ती बिजनेस को अपने घर पर ही शुरू करके महीने की 50,000 तक अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।